हाय स्टूडेंट्स, मैथ्स सॉल्यूशन के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 8 के चैप्टर 2 को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है। तो हम लोग आज की वीडियो में लेकर आए हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक बार समझेंगे कि इसके कंसेप्ट हैं वो क्या हैं, और देन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसा कि चैप्टर के जो नाम है उसी से स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अपन पहले आप लोग प्रीवियस क्लासेस में जानता है, एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, अगर नहीं है तो भी मैं बता दूंगा आपको कि ये एक्सप्रेशन होती क्या है। एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, जैसे मैं आपको लिखूं एक्स प्लस थ्री, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये आपने पढ़ा है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा ये भी देखा हुआ है और प्रीवियस क्लासेस में, इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस अगर मैं एक्स प्लस थ्री लिखूँ और इसमें इक्वल टू का साइन लगा लूँ और मैं कुछ नंबर्स लिख लूँ, तो जो इक्वेशन होती हैं वो एक्चुअली उनमें इक्वल टू का साइन आ जाता है और वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन यहाँ तक समझ में आया। अब जो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम लीनियर को समझते हैं कि ये क्या है। तो लीनियर को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। मैं आपके सामने कोई इक्वेशन लिखूं, जैसे कि मैं लिखूं वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, अगर मैं इस तरह की कोई इक्वेशन लिखूं तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर ग्रेटर देन वन है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक्स प्लस थ्री जो है वो लीनियर है, और जो y स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वाई, तो यहाँ पर y की जो पावर है वो 2 है, और चूंकि जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसे हम लोग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ग्रेटर देन नहीं हो, तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो और मैं कोई आपको एग्जांपल दूं, मैं दे रहा हूं आपको y प्लस 7 इक्वल टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहां पर आपको इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन समझ आया होगा। इक्वेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है और उसमें से हम लोग इसमें पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। अब हम इसका थोड़ा आगे वाला पोर्शन भी देख लेते हैं, इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल इट मीन्स हम ये देखेंगे कि उसमें वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है। इट मीन्स ये वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, बट ये लीनियर है और वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। सेकेंड वाली जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग देखेंगे कि वाई प्लस 7 इक्वल टू 9, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि ये वन वेरिएबल हैं और लीनियर भी हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशन है उन्हें हम लोग कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपके समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, कि उसमें वेरिएबल की पावर ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि उसमें वेरिएबल ओनली 1 हो, एक तरह का वेरिएबल ही उस इक्वेशन में हो, तो हम लोग उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो अब हम इन्हें सोल्व करना सीखेंगे कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी। तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोल्विंग इक्वेशन, हम लोग किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व करें। इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वन साइड वेरिएबल हो तो हम लोग उसे कैसे सोल्व करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखूं, मैं लिखूं एक्स माइनस 4 इक्वल टू 21, तो इस तरह का एक मैं सिंपल सा इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, और चूंकि इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये पता करना है कि इसमें x की x इक्वल टू क्या होता है। तो हमें यहाँ पर चूंकि x माइनस 4 इक्वल टू 21 दिया है, चूंकि हम लोग के पास ये एक इक्वेशन है इसलिए इसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल है और इसमें इक्वल टू का साइन है,
तो हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इनमें करते हैं तो हमें दोनों साइड वही ऑपरेशन करना होता है, तो हमारा जो इसका इक्वेलिटी है इक्वेशन की वो बनी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई भी ऑपरेशन करें, जैसे कि हमें पता लगाना है कि क्या ऑपरेशन करने से ये -4 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो -4 है तो इसका ऑपोजिट वर्जन अगर इसमें ऐड करें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। -4 मैं करूं, अगर इसमें +4 कर दूं मैं, तो मैं यहां लिखूं एक्स माइनस फोर प्लस फोर, क्योंकि यहां पर वन साइड नहीं कर सकता, हमें दोनों साइड में +4 करना पड़ेगा। तो मैं 21 + 4 भी लिखूं, और इस तरह से हमने इसमें 4 का दोनों साइड में सम किया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, -4 + 4 जो है इसलिए, और जो 21 + 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वन साइड वेरिएबल को सोल्व करेंगे। तो थोड़ा एक और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इस साइड में कोई क्वेश्चन आपके लिए नया लिखूं, मैं लिखूं 3x + 4 = 19। तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, इसे सोल्व करना है। तो चूंकि मुझे यहाँ पर x इक्वल टू पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 और 3 दोनों को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर रिमूव करना है हमें 4, तो मैं दोनों तरफ अगर 4 माइनस कर लूँ तो 4 रिमूव हो जाता है। तो बोथ साइड में क्या करूँ, सबट्रैक्ट करूँ 4 को, तो हम लिख सकते हैं 3x + 4, और क्या करूँ मैं, -4। तो मुझे इस साइड भी -4 करना पड़ेगा, तो 19 - 4 इस साइड भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, और अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो मुझे क्या हो गया, माइनस और प्लस जो 4 है वो कट जाता है, वो यानी कि वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास बचता है यहाँ 3x = और 19 - 4 जो है वो हो जाता है 15। अगेन हम लोग आगे सोल्व करें, तो हमें क्योंकि अब 3 को रिमूव करना है, इस वाले 3 को, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम लोग इसे रिमूव करने के लिए डिवाइड कर लें, यानी कि हम लोग बोथ साइड 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3/3, और इसमें भी मैं 15/3 लिखूंगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 3 से 3 तो कट हो जाता है, तो एक्स यहाँ से बचता है। और 15/3 अगर इसे सोल्व करना है, तो हमें 15 में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मुझे मिलता है 5। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 5 हो जाता है, और इस तरह से हम लोग किसी भी जो इक्वेशन है उसे सोल्व करते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे थे, और सॉल्विंग इक्वेशन हम लोग करेंगे जब बोथ साइड वेरिएबल हो, यानी कि जब दोनों तरफ कोई वेरिएबल आ जाता है, तब हम लोग उस इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखूंगा, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर सोल्व करने का मेथड सीखेंगे। मैं यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लिखूँ, मैं लिखूँ आपके सामने 2x - 3 = x + 2। जब मैंने इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ वेरिएबल हैं, इधर 2x हैं और इधर x हैं। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कि हमें वेरिएबल को वन साइड लाना है। इट मीन्स हमें यहाँ पर दोनों साइड वेरिएबल हैं, तो अगर इन्हें वन साइड ले आऊँ मैं एक तरफ, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाएंगे। इसीलिए हमारा पहला काम ये रहता है कि हम लोग वेरिएबल को एक साइड ही लेकर आए। तो यहाँ पर वन साइड लाने के लिए आप लोग क्या करें, जो वेरिएबल हों और उसके साथ जो मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन जो नंबर होते हैं, उन सहित आप लोग उसमें प्लस या माइनस करेंगे, तो वो वन साइड आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्योंकि एक्स है, मुझे इस एक्स वेरिएबल को यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं इस साइड में माइनस करने वाला हूँ। क्या माइनस करने वाला हूँ मैं, एक्स। अगर मैं माइनस एक्स करूँ, तो मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस एक्स करना पड़ेगा, और तब जा करके हमारा जो वेरिएबल है वो वन साइड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 2x - x - 3। मैंने इस साइड भी माइनस एक्स किया, और इधर भी मैं x + 2 में क्या करूं, -x कर। तो होता क्या है, ये x से x तो रिमूव हो जाएगा, बट ये जो x था उधर से इधर भी रिफ्लेक्ट होने लग गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास क्या है, ये 2x है, और ये जो x है 2x - x है, इसलिए अगर हम लोग इनको सबट्रैक्ट करेंगे,
तो हमारे पास जो वैल्यू है वो मिलेगी x माइनस 3 इक्वल टू 2। चूंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में सीखा था कि हम लोग अब वन साइड वेरिएबल हैं तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, -3 को रिमूव करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर दोनों साइड में +3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करते हैं x -3, ये +3, और मैं इस तरफ भी 2 +3 लिखूंगा, तो क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 0 होने से, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 + 3, इट मीन्स 5, दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को जब बहुत साइड वेरिएबल हैं तो सोल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। कभी कभार हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिल जाते हैं तो उन्हें हम लोगों को सोल्व करना पड़ता है, और उसके लिए हमें उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए सोल्व करना होता है। तो हम लोग कैसे उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है कि कोई इक्वेशन है और इस तरह की जब इक्वेशन आ जाती हैं तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे सोल्व करना और आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को और कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पर जो है 6x+1/3+1 = x -3/6 जैसा कि लिखा हुआ है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं अगर उनको हम लोग रिमूव कर दें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम लोग 3 और 6 दोनों को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 6 का जो एलसीएम है वो हम लोग चेक करेंगे कॉमन मल्टीपल, और 3 और 6 का जो एलसीएम है वो 6 होगा, और इसलिए अगर हम लोग इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन में तो थोड़ा सिंपली फाई इक्वेशन बन जाएगा। तो मैं क्या करूं कि मल्टीप्लाई कर लूंगा इसमें, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, तो हमारा थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। तो मैं देखिए यहां पर करूं 6 मल्टीप्लाई, इस पूरे इक्वेशन में मैं 6 का मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं, तो ये 6x+1/3 जैसा कि है ही, प्लस मैंने 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, मैंने इधर भी 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा x -3/6। तो अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 और 3 रिड्यूस हो जाते हैं 2 टाइम, ये 6 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 से 6 रिड्यूस हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि 2 है, ब्रैकेट है, और 6x+1 है, प्लस 6 है, और फिर हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास है x-3। तो इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाइफिकेशन, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो हो गए हैं रिमूव। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, तो उसे सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए जैसा कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो 2 को 6x और 1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ 6x से भी, और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से भी, और +6 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर था और x-3 एज इट इज है, ब्रैकेट ओपन के प्रोसेस में हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12x। मैं थोड़ा आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर नए हैं और आपने फर्स्ट से इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है तो आपको सारा का सारा ही पार्ट समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर लिखूँ 2 + 6 = x-3, तो आगे चलिए सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पर सोल्व करने के लिए आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है एक्सप्रेशन में कि हम लोग कैसे सोल्व करते थे उनको, यहाँ पर 2 और 6 को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर है 2x था, तो उसे रिमूव करना है, यानी कि इस x को रिमूव करना है और इसे हम लोगों को राइट साइड लाना है। तो चूंकि ये +x है इसलिए हम लोग -x दोनों साइड करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करें,
एड माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें हम लोग, क्या सब्ट्रैक्ट करें, एक्स ऑन बोथ साइड, तो हम लोग ये काम करने वाले हैं, 12 एक्स प्लस एट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स, तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर एक्स से एक्स तो हो जाता है रिमूव, ये हो जाता है 12 एक्स और ये माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, 11 एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि माइनस होने वाला है, तो 11 एक्स प्लस एट इक्वल टू, तो ये क्या है, माइनस थ्री, बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया है। और अब हम इसकी एक्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। हाँ, एक्स की वैल्यू पता करने का जो मेथड है वो क्या है, हमें पहले तो एट को रिमूव करना है और फिर 11 को हम लोगों को रिमूव करना है। जैसे ही मैं 8 को रिमूव करूंगा तो मैं दोनों साइड 8 जो है वो माइनस करूंगा, जब माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर तो ये मिल जाएगा 0 और यहाँ मिल जाएगा मुझे माइनस 11, तो मैं क्या करूँ, 11 एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो हो गया है वो माइनस 11 हो गया। अब मुझे इस 11 को भी रिमूव करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर लूंगा 11 बोथ साइड, और 11 जब बोथ साइड रिमूव करूंगा तो इस 11 से इस 11 को हम लोग कट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा जो कट करने के बाद वैल्यू बचेगी वो माइनस 1 बचेगी। तो इस तरह से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन होती है, जैसे कि मैं आपको लिखूँ 2x माइनस 5 इक्वल टू 9, तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम लोग ट्रांसपोज मेथड, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के मेथड में जैसा कि आपको पता है उनका साइन चेंज हो जाता है, तो हम लोग उनका साइन चेंज करते हुए उन्हें ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर देखोगे इसमें, तो जो कि आपके पास माइनस 5 है इसका हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम लोग क्योंकि माइनस 5 का ट्रांसफर करते हैं तो माइनस 5, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसफर माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो मैं यहां पर जैसे ही ट्रांसफर करूंगा इसका, तो मुझे इक्वेशन की नई फॉर्मेशन मिल जाती है, 2x इक्वल टू, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 5। अगेन मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मुझे मिलता है 2x इक्वल टू 9 प्लस 5 इज 14। अब मुझे क्या है कि फिर से इसकी x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्योंकि 2 है तो 2 का ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ट्रांसफर 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 राइट हैंड साइड। तो हम लोग 2 का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2 का ट्रांसफर करने के लिए बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, और 14 डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग करेंगे तो आप लोग क्या लिखते हो, x इक्वल टू 14 अपॉन 2, 14 अपॉन 2 इट मीन्स डिवाइड हो रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको x की वैल्यू मिलती है 7, इट्स योर आंसर। तो इट्स ओके, तो ये वाला जो मेथड है बहुत ही सिंपल है, और इस वाले मेथड से भी आप लोग इस चैप्टर के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो इस वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन अगर इस तरह की हो तो उन्हें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए सिंपल फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखूँ 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, तो अगर ये इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम लोग करेंगे, तो आप लोग देखोगे कि इक्वल टू के बोथ साइड्स में आपको कोई फ्रैक्शंस मिलेंगे, तो इस वाले पार्ट को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पार्ट से, और इस पार्ट को हम लोग पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। इट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है ये मल्टीप्लाई होगा और इस नीचे वाला पार्ट भी मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा चेक करिए।
और देखिए 2x+3 जो कि इसका न्यूमरेटर है, इसे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से, और अगेन इक्वल टू के इस साइड में हम लोग लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए। और तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5x-2 से, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अब क्योंकि ये जो ब्रैकेट है उसे ओपन कर लेते हैं, तो हमारे हो जाता है 6x+3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, एंड अगेन 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35x-7 2 14। तो इस तरह से हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए सोल्व करेंगे। तो ये रहा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में हम लोग इक्वेशन की फॉर्मिंग करना सीखेंगे, यानी कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया होता है तो उस स्टेटमेंट्स को हम लोग इक्वेशन में बनाते हैं, उसको फॉर्मेशन करते हैं और फिर उसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि आपको कोई स्टेटमेंट है, जैसे मैं लिखूं आपके लिए कि 1 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 10 मोर देन है। सेकंड इसका स्टेटमेंट है देयर सम इज 74। तो इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिया है तो हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझना होता है कि लिखा क्या है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारे पास दो नंबर को हमें सम करना है, तो हमें क्योंकि एक नंबर को लेट करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन को फॉर्मेट करना है तो उसको फॉर्म बनाने के लिए हम लोग लेट करेंगे। वन नंबर इज वन नंबर इज सपोज एक्स, तो आपको दूसरा नंबर अपने आप ही इसमें इमेजिन कर सकते हो कि दूसरा जो नंबर है वो क्या होगा, अदर इज या सेकंड नंबर इज, या ये मैं लिखूँ सेकंड नंबर इज क्या हो जाएगा, 10+x हो जाएगा। 10+x इसलिए होगा क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो लिखा है 10 मोर देन फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर, 10 ज़्यादा है, मोर देन इट मीन्स ज़्यादा होता है। तो अब चूंकि हमारी जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए हमें इक्वल टू का साइन मिलता है और उसके आगे क्या लिखा है, तो ये यहाँ से पता चलता है देयर सम इज 74, इट मीन्स उन दोनों का जो सम है वो 74 है। तो हम लोग लिखेंगे हमारी जो फर्स्ट नंबर है वो तो है x, हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या है 10+x, और इन दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो क्योंकि ये सम कर रहे हैं हमें मिलेगा 74। इसे थोड़ा सिंपली फाइव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा x, और x को हम लोग ऐड करेंगे तो 2x+10=74। तो किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह से इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे हम लोग, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं सोल्व करने के, तो उस तरह से हम लोग उनको सोल्व कर लेंगे। हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे हमारे टॉपिक क्लियर होते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज या चैप्टर में से कोई भी डाउट्स हों तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो आपको ज़रूर सोल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।